नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर नरकटियागंज से है, जहां ऑनलाइन की खरीदारी में बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। मामला नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 9 का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सेजल कुमारी ने जानी मानी कंपनी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन लैपटॉप की खरीदारी की थी, जो कि 39,980 रुपये की है। इसका डिलीवरी शुक्रवार को उसके पते पर किया गया। डिलीवरी के बाद सेजल ने जब उक्त पैकेट को खोला तो उसमें मार्बल का एक टुकड़ा स्वेटर पाया गया, जिसे देखकर वो दंग रह गई और डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके वापस बुलाया और सामान वापस कर अपने पैसे वापस करने की मांग की। ऑनलाइन की इस धोखाधड़ी से आसपास में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कुरियर कंपनी आपस में मैनेज की बात करने लगी। सेजल ने बताया कि फ्लिपकार्ट से लैपटॉप का ऑर्डर दिया था। जब सील पैकेट को खोला तो देखा कि उसमें मार्बल के टुकड़े पड़े हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। पिछले कई वर्षों से फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर बुक किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि लैपटॉप की जगह मार्बल भेजे गए हैं। कंपनी के इन हालातों को देखकर भरोसा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकतर ग्राहक विश्वसनीय कंपनी पर विश्वास कर लेते हैं। क्या मामला है, पूरा बताओ। मामला ये है कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑसस कंपनी का लैपटॉप ऑर्डर किया था, जिसका रेट था 39,980 रुपीस। और आज वो ऑर्डर मेरा प्लेस हुआ है यहाँ पे। डिलीवर जब उसने किया है उसने, तो जब मैंने उसको ओपन किया, विथ वीडियो मैंने ओपन किया है, तो उसके अंदर लैपटॉप था ही नहीं, और उसमें प्लाईवुड स्वेटर एक और मार्बल था उसके अंदर, और लैपटॉप ऐसे ही था। जब मैंने बुलाया उन्हें जिन्होंने डिलीवर किया हमें, और उसको बुलाया पूछा, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम ये हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इससे, और वो पैसा रिफंड नहीं किया हमारा। और आके हमें वो पुलिस स्टेशन जाके बोलने लगे कि वो हमारा मतलब कि बाइक रख लिया हमारा ऐसे वैसे। और हम वैसे मैं पुलिस स्टेशन गई थी और मैंने कंप्लेन कर दिया है अपना पैसा रिटर्न करने के लिए। कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट की कंपनी है, और वो जिन्होंने डिलीवर किया वो ई कार्ट से मर्ज है। क्या नाम है आपका? सेजल कुमारी। कितना अमाउंट का था? 39,980 रुपीज़।